कि मैं एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक अच्छी औरत, एक औरत जो न जाने कब से नंगे पांव रेगिस्तान की धधकती बालू में भागती रही। मैं सुदूर उत्तर के गांव से आई हूं, एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों में और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मैं पूरब के अंधेरे खंडहरों से आई हूं, जहां मैंने न जाने कब से नंगे पांव सुबह से शाम तक अपनी मरियल गाय के साथ खलियानों में दर्द का बोझ उठाया है। मैं एक औरत हूं उन बंजारों में से जो तमाम दुनिया में भटकते फिरते हैं, एक औरत जो पहाड़ों की गोद में बच्चे जन्मती है, जिसकी बकरी मैदानों में कहीं मर जाती है और वो बहन करती रह जाती है। मैं एक मजदूर औरत हूं जो अपने हाथों से फैक्ट्री में देवकाय मशीनों के चक्के घुमाती है, वो मशीनें जो उसकी ताकत को ऐन उसकी आंखों के सामने हर दिन ऊंचा करती है। एक औरत जिसके खून से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है, एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है, एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उस औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ हैं, जिसका शरीर नरम है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार हैं। मैं तो वो औरत हूँ जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों में घायल कर दिया, एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन शर्मनाक और कमर तोड़ काम से टूट चुका है, एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तानों की झलक दिखाई देती है, जिसके बालों में फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूं जो अपने कॉमरेड भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पार करती है, एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है और किसान की बलवान भुजाओं की। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ, मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है, मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो कि मेरी भूख एक भ्रम है और मेरा नंगा पर एक ख्वाब। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके, एक औरत जिसके सीने में गुस्से से फपकते नासूरों से भरा एक दिल छिपा है, एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग के लाल साए लहरा रहे हैं, एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं कि अपने हक के लिए तलवार कैसे उठाई जाए।